Hello dear, Assalamualaikum, Assalamualaikum and Ahlan wa Sahlan, Marhabaat Ji, Anupakha Raagli and very good morning to all of you. Well, Janab, you know, this is me, none other than Cherpian Crispy, live and loud. Hariya Noori, Orisha Malik, Aapka Saath, Aapka Hamara Saath. रहत है एवरी मंडे टू सैटरडे सुबह ग्यारह बजे से लेकर दोपहर एक बजे तक एंड द शो इज कॉल टॉक ऑफ द टाउन सो टुडे इज मंडे 11:18 ऑन द डायल और आज 25 तारीख हो चुकी है सितंबर की और रब्यलावल की आज आठ तारीख उम्मीद है अब जहां कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक अच्छे मूड और मिजाज के साथ होंगे लाहौर का मौसम इज वेरी मच ऑसम एंड प्लेसेंट और, और इनफैक्ट आज लाहौर में शायद नहीं यकीन बारिश है क्योंकि जो वेदर फोरकास्ट है उसके अकॉर्डिंगली आज बारिश हो जाएगी मोस्टली जो कि क्लाउडी वेदर है सो ये वीकेंड काफी प्लेजेंट रहा क्योंकि लड़ा का मौसम काफी आसम था और उम्मीद है कि आपके दिल का हाल चाल हाँ, आपके दिल का मौसम बिल्कुल अच्छा होगा बिल्कुल एन जो हमारा आसपास का मौसम है उसके मुताबिक होगा अगर नहीं भी है तो इट्स ओके हम कोशिश करेंगे कि उसको बेहतर कर सके अगर बेहतर नहीं भी है वैसे भी मंडे को कुछ लोगों का नॉर्मली मूड अच्छा नहीं होता दिल का हाल अच्छा नहीं होता क्योंकि आप जब छुट्टी के बाद काम पर आते हैं तो ऑटोमेटिकली यू you नो know, आप अच्छा फील नहीं करते लेकिन इट्स ओके आप अगर अच्छा नहीं फील करें तो मैं यहां पर आपके साथ हूं और मैं कोशिश पूरी करूंगी कि आपका मूड अच्छा होता एजेंट कर सकूं और आज बहुत सारी अपडेट से बहुत ही इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो कि मुझे आपके साथ डिस्कस करनी है सो so, क्या कुछ है ये तो आपको ऐसा ऐसा धीरे धीरे पता चलता ही रहेगा थ्रू आउट द शो फिलहाल एक अदद ट्रैक करूंगी मैं प्ले और इसके बाद करते हैं आपको ज्वाइन रियाज खान बाज याब होकर अपने घर पहुंच चुके हैं सो कंग्रेचुलेशन टू हिज फैमिली के चले फाइनली वो अब अपनी फैमिली के साथ हैं और इन फैक्ट फैमिली के साथ होना फैमिली का होना बहुत ज्यादा इंसान की जिंदगी में इम्पोर्टेंट है और आज जो हमारे बहुत करीबी रिश्ते होते हैं जैसे माँ बाप बहन भाई सो तो ये जितना हमें स्ट्रेंथन करते हैं उतना ही ज्यादा हमारे लिए आ, हमारी वीकनेस भी होते हैं और टू सम हाउ मुझे ये लगता है कि हमारी आ, जो भी जिंदगी में कामयाबियां या नाकामियां हैं अगर हमारे साथ कोई रिश्ता खड़ा होता है तो वो हमारे अपने होते हैं ब्लड रिलेशन होते हैं या फिर हमारे वो दोस्त होते हैं जो हमारे साथ बहुत ही ज्यादा अनकंडीशनल एक आ, आ, स्टेट के साथ जुड़े होते हैं सो so, अगर आ, ऐसे रिश्ते हमारे साथ रहें हमेशा तो मेरा ख्याल है कि दुनिया में कोई भी चीज ऐसी अगर आ जाए हमारे ऊपर कोई मुश्किल की सूरत में परेशानी की सूरत में सो so हम उसका अच्छे तरीके से उसको हैंडल कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास उन रिश्तों की सपोर्ट है जो हमें आ, गिरने नहीं देते या हमें आ, संभाल लेते हैं किसी भी सिचुएशन में ओके okay, जब आप आई सी आईसीसी वर्ल्ड कप का भी चर्चा है और आ, इस हवाले से मेरा ख्याल है कि आप भी काफी ज्यादा कंसर्न हैं सो अली जफर ने आईसीसी वर्ल्ड कप का जो सॉन्ग है वो बनाने का ऐलान किया है सो लेट्स सी के इस दफा इसी का जो सॉन्ग है वो कैसा बनेगा वैसे तो पीएसएल के जितने भी सॉन्ग्स हैं उनके साथ अब लगता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम अब एक ऑटोमेटिकली ये जो कंपटीशन है डिफरेंट इवेंट्स के सॉन्ग्स बनाने का वो काफी ज्यादा काफी ज्यादा मुझे लगता है मुश्किल हो चुका है और आ, हर आर्टिस्ट ने अपना जो कंपटीशन है वो अपने लिए मुश्किल कर दिया है और टू तो सम हाउ मुझे ये लगता है कि इवेंट की जान अब उसका जो सॉन्ग है वो बन चुका है सो लेट्स सी के अली जफर कैसा गाना बनाते हैं वैसे तो उम्मीद है कि वो हमेशा की तरह बहुत बेहतरीन सॉन्ग बनाएंगे और लोग उसको डेफिनेटली हमेशा की तरह पसंद करेंगे और इसके साथ साथ जनाब एक और चीज जो कि मैं आपके साथ आगे चल के शेयर करूंगी आ, हवाई जहाज में दौरान सफर सो रही खातून मुसाफिर मुर्दा निकली ओके So, चले इस पर आगे चल के बात करेंगे और फिलहाल अभी प्ले करूंगी मैं आपके लिए एक और ट्रैक और इसके बाद हमारे पास कुछ लेटेस्ट अपडेट्स आपके साथ शेयर होती रहेगी थ्रू आर द शो ओहो oh, हो oh, 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 काफी पुराना सॉन्ग मैंने आपके लिए आज प्ले किया है और उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा सो so, कुछ गाने जो थोड़े से पुराने हैं मैं ट्राई करूंगी कि अब उनको अपने प्रोग्राम में प्ले करूं ताकि एक थोड़ा सा डिफरेंट यू you नो know, टच है वो प्रोग्राम में रहे और बहुत सारे वो लोग जो डेफिनेटली कोशिश करते हैं कि म्यूजिक को भी एक्सप्लोर करते रहें आए दिन कोई ना कोई डिफरेंट सॉन्ग उनको अगर मिलता रहे आ, सुनने को तो डेफिनेटली वो चाहते हैं कि चलो उनकी जो रिक्वेस्ट है या उनकी फरमाइश उसको प्रोग्राम में शामिल किया जाए तो मैं पूरी कोशिश करूंगी सो so, बाय द वे कराची में भी चूंकि आपको पता है कि आय इन्फेक्शन बहुत तेजी से फैल रहा है सो so, पंजाब में स्पेशली लाहौर में इसके केसेस बहुत ज्यादा तेजी से फैल रहे हैं और Uh, मेरी फैमिली में भी इनफैक्ट ये चीज uh, बहुत ज्यादा फेस uh, करनी पड़ रही है टू सम हाउ बट द थिंग इज इसका uh, जो सबसे ज्यादा एक uh, मामला जिसको आपको मेक श्योर sure करना है कि जो uh, जिसको आए इन्फेक्शन हुआ है एक तो उसके पास कोई ना रहे दूसरा ये कि आप हैंड uh, सैनिटाइजर का इस्तेमाल बार बार करें इस पर मैं एक्चुअली पहले भी बात कर चुकी हूं सो so, <coughs> अगर आप के घर में किसी एक बंदे को आई इन्फेक्शन है तो डेफिनेटली दूसरों को भी हो सकता है अगर आपने एहतियात ना बरती जिस तरह से कोविड के टाइम पे क्वारंटीन का एक कॉन्सेप्ट था सो तो इसमें भी आ, यही डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि आप अगर आ, एक, एक बंदे को एक फैमिली में है तो आप कोशिश करें कि उसके पास ना रहें और उसका तकिया उसके कपड़े उसका बेड यू नो वो शेयर ना हो और सैनिटाइजर uh, और इवन uh, किसी और बंदे को भी फैमिली में है तो जो आई ड्रॉप है वो एक दूसरे के इस्तेमाल ना करें और रोज uh, वाटर का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करें एक रोज वाटर आता है स्प्रे वाला सो so, स्प्रे uh, वाला रोज वाटर आप लाजमी इस्तेमाल करें ताकि आपका जो uh, आय है उसको आप बार बार वॉश करें रोज वाटर के साथ थोड़ी सी इचिंग होगी और इचिंग के साथ आप अगर बर्दाश्त कर लें कि यार चलो इट्स ओके okay, आप रिकवरी आपकी जल्दी हो जाएगी सो so, बहुत सारे लोगों को आई इन्फेक्शन के साथ बॉडी एक बहुत ज्यादा है सो so, इसमें आप पेन किलर डॉक्टर अगर रिकमेंड करते हैं तो डेफिनेटली आप पेन किलर खा सकते हैं वरना आई ड्रॉप्स वो भी बहुत माइल्ड वाले क्योंकि मार्केट में आ, कल ही मैं डॉक्टर के पास गई तो आ, कुछ डॉक्टर्स ऐसे आई ड्रॉप्स देते हैं कि जो अवेलेबल है मार्केट में अब जनाब ये जो एक मामला हुआ है पंजाब में आई इन्फेक्शन का सो आई ड्रॉप्स ही शॉर्ट हो चुके हैं सो ये वैसे एक बड़ा अजीब मामला है हमारे हां कि जब भी कोई जैसे पेनाडॉल शॉर्ट हो जाती है जब डेंगी बहुत ज्यादा सर उठाता है So, इस तरह से मेडिसन्स का शॉर्ट होना इसमें हुकूमत को चाहिए कि कुछ बेहतर हकमत अमली अपनाई जाए ताकि वो लोग जो अगर आई इन्फेक्शन में मुबतला है और उनको आई ड्रॉप जो रिक्वायर्ड है वो नहीं मिल रहे तो फिर वो कहाँ जाए सो so, जाहिर सी बात है पेशेंट्स को जहां तक मुमकिन हो सके गवर्नमेंट लेवल पर रिलीफ मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है और प्लीज अगर आई इन्फेक्शन हो जाता है तो आप आंख को मले मत आंख को बार बार बस रोज वाटर से वॉश करें क्योंकि अगर आप आंख को मलेंगे आ, उसको आप रब करेंगे तो आपका आई इन्फेक्शन अंदर तक हो सकता है जो कि रिकवरी उसकी लेट है सो so, अगर इस चीज का आप खास तौर पे ख्याल कर लेंगे क्योंकि कल मेरी डॉक्टर से बड़ी डिटेल में बात हुई है सो so, मैं वो बात कर रही हूं जो डॉक्टर ने रिकमेंड किया है जो डॉक्टर सजेस्ट कर रहा है कि आंख को रगड़ना नहीं है आंख को आपने रब नहीं करना और आंख को बार बार रोज वाटर से वॉश करना है और आपको जो आई ड्रॉप दिए हैं उसको बाकायदगी के साथ दो से तीन दफा जो भी रिकमेंडेशन है डॉक्टर की उसके अकॉर्डिंगली आपने इस्तेमाल करने आई ड्रॉप्स और अगर आपको पेन किलर की रिक्वायरमेंट है जरूरत है आपकी बॉडी बहुत ज्यादा है क्योंकि ये एक तरह का वायरस है और जब वायरल अटैक होता है जिस तरह आम कोई भी वायरल अटैक होता है और बॉडी एक होता है इसी तरह आई इन्फेक्शन के साथ भी बॉडी एक होता है और प्लीज कोशिश करें जितना ज्यादा जल्दी पॉसिबल हो आप डॉक्टर की तरफ रुझू करें ताकि आपका जो आई इन्फेक्शन है वो ज्यादा ना फैले और मेरा काम है आपको अवेयर करना जो चीज़ जो इन्फॉर्मेशन मेरे तक आई है या जो मुझे पता है सो मेरी कोशिश है कि मैं आपके साथ शेयर करूं और सबसे ज्यादा जरूरी चीज है बार बार हैंड वॉश करें और प्लीज जो इफेक्टेड बंदा है उसके आसपास ना रहें उसको क्वारंटीन कर दें ताकि आपके जो घर के बाकी अफराद हैं वो बच सके स्पेशली बच्चे क्योंकि बच्चों को तो बताना भी नहीं आता राइट सो so, अगर आप ये चीज मेक श्योर कर सकें तो मेरा ख्याल है कि हम इस प्रॉब्लम से भी जल्द से जल्द निकल सकते हैं अगर हम कोविड से निकल सकते हैं तो हम इससे भी निकल सकते हैं इनशाला सो so, फिलहाल ब्रेक है मेरे पास और ब्रेक के बाद करते हैं आपको जो सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन All right, welcome back once again. Well, जनाब एक बार फिर से खुश आमदीद आप सब लोगों को आई होप कि आपने ट्यून इन किया होगा वन अगर टाइमली किया है फिर तो चलें अच्छी बात है आपको पता ही होगा कि क्या चल रहा है शो में वैसे तो बहुत सारी बातें हो चुकी हैं और कुछ अभी बाकी हैं सो so, गैस चोरी के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है पांच करोड़ से जायद का जुर्माना जो है वो आयद होगा सो so, पंजाब और खैबर पखतनख्वा में गैस चोरी और दीगर जो शिकायत हैं उनकी वजह से सात हजार एक सौ चवालीस घरेलू और चवालीस कमर्शल कनेक्शन मुनता कर दिए हैं और आ, आ, इस हवाले से अगर मजदूर डिटेल में बात करें तो बहुत सारे लोगों ने जो एक इलेक्ट्रिक uh, वो डिवाइस uh, होती है वो लगाई होती है ताकि यू नो गैस जो है वो uh, आती रहे और बहुत सारे लोग इस तरह से एक तरह की ये गैस की चोरी ही है और uh, उन लोगों का हक मारा जाता है जो बेचारे गैस uh, का इंतजार करते रहते हैं और फिर उनको सिलेंडर्स आ, का बंदोबस्त करना पड़ता है ताकि अगर गैस चली जाए तो आ, आ, मामला जो है वो ज्यादा गड़बड़ ना हो और स्पेशली साढ़े नौ दस बजे के करीब गैस चली जाती है और उसके बाद फिर अल्लाह तो वकली है और वो लोग जिनके पास सिलेंडर्स है सो उनका तो गुजारा हो जाता है बट जो लोग सिलेंडर्स अफोर्ड नहीं करते या फिर आ, उनके पास सहूलत नहीं है सो आ, एक तरह से कह लें कि थोड़ी सी आपको आ, चीजों को ज्यादा बेहतर तरीके से मैनेज करने की जरूरत होती है ताकि आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी या दिक्कत का सामना ना करना पड़े और द थिंग इज बहुत सारे वो लोग जो सिर्फ गैस ही नहीं बल्कि बिजली चोरी आ, भी कर रहे हैं सो उनके खिलाफ भी क्रैकडाउन होगा और आ, Uh, बहुत सारे वो लोग जो शायद अब सोए हुए थे इस चीज को लेके uh, उनको अंदाजा हो जाएगा कि uh, अब यू नो क्रैकडाउन हो रहे हैं तो जरा ख्याल कर लिया जाए सो उम्मीद है कि uh, वो लोग जो इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं सो प्लीज कोशिश करें कि आप uh, अपना तो फायदा कर ही नहीं रहे किसी भी सूरत में आपका फायदा नहीं हो रहा सो so, दूसरों को अगर आप फायदा पहुंचा ले तो क्या मतलब हज की बात है कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है अगर आप की तरफ से किसी को फायदा या किसी को नफा मिले सो so, हम अपना नफा अपना फायदा पहले देखते हैं और बाद में किसी और की बात करते हैं सो so, ये थोड़ा सा मसला है <laughs> क्या किया जाए खैर अभी तो ये कुछ लेटेस्ट अपडेट है कि अगर गैस चोरी करने वाले लोग जिनको पता है कि वो कैसे चोरी कर रहे हैं सो so, अब आप लोगों के खिलाफ क्रैकडाउन हो रहा है सो यू नेवर नो कब छापा पड़ जाए और कब आप आ, के ऊपर हैवी पेनल्टी जो है वो पड़ जाए और आप फिर सोचते ही रह जाएंगे यार क्या किया जाए सो so, इससे पहले कि क्या किया जाए वाली सिचुएशन हो जाए तो आप कोशिश करें कि इस चीज को अवॉइड करें और अगर आपके आसपास कोई ऐसे लोग हैं जो इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है सो प्लीज कोशिश करें कि उनको आप आ, आ, समझा सकें कि यार कम से कम इस तरह का मामला जो है वो ना ही करें ताकि प्रॉब्लम ना हो बड़ी प्रॉब्लम ना हो ओके okay, फिलहाल अभी एक और ट्रैक इसके बाद मौसम का हाल बताऊ आज लाहौर इस्लामाबाद सियालकोट में मौसम कैसा रहने वाला है और ई सिगरेट के हवाले से एक रिपोर्ट है जो कि आप आ, के साथ आगे चल के मैं शेयर करूंगी सो so, सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन और वेलकम बैक वेल बहुत सारे वो लोग जो ई सिगरेट को लेके मतलब इजी गोइंग है उनको लगता है कि ई सिगरेट तो कोई नुकसान पहुंचाती नहीं है बट ये कहा जा रहा है कि ई सिगरेट जितने भी यंगस्टर्स हैं उनमें आस्थमा का जो एक खतरा है उसको दो गुना कर देती है और आ, आ, वो लोग जो टू तो समाव इस चीज से अवेयर भी हैं और इसके बावजूद वो ई सिगरेट की जो एक एडिक्शन है उससे छुटकारा नहीं हासिल कर पा रहे सो सबसे बेहतरीन बात तो ये है कि सबसे आ, जो इम्पोर्टेंट चीज है वो आपकी सेहत है अगर आप इस चीज को नहीं अंडरस्टैंड करेंगे कि आपकी सेहत अगर कॉम्प्रोमाइज हो रही है तो फिर किस चीज का फायदा आपको मतलब आप जो कुछ भी आज कर रहे हैं या जो भी आप के पास है वो तभी काम का है जब आपकी हेल्थ अच्छी है चाहे आपको कोई छोटा सा भी कोई प्रॉब्लम होता है हल्का सा बिल्कुल स्लाइट सा भी कोई प्रॉब्लम इवन आप ये सोच लें कि आपको अगर सर में दर्द होता है तो आपका पूरा दिन स्पॉइल हो जाता है कि यार सर में दर्द था मुझसे नहीं हुआ मैनेज या काम करने को दिल नहीं चाह रहा था या काम नहीं हो रहा था सो तो ये एक हल्का सा भी प्रॉब्लम आपके साथ शेयर करी हूं कि अगर हल्का सा भी कोई इंसान को प्रॉब्लम होता है तो आ, उसकी सारी जो रूटीन है वो डिस्टर्ब हो जाती है सो तो अभी आ, हाल ही में टैक्स में आ, होने वाली एक जो रिसर्च है ये बात अलग है कि गोरे लोग इन चीजों में ज्यादा बट गोरों को देख के यू you नो know, हम लोग जो देसी हैं हमारा भी जो एक रुझान है हम भी थोड़े से इस तरफ ज्यादा आ चुके हैं और ये बात आ, सामने आई है कि जो ई सिगरेट आ, लोग इस्तेमाल कर रहे हैं स्पेशली यंगस्टर्स में ये चीज बहुत ज्यादा इन है सो so इससे आस्तमा जो है वो उसका खतरा बढ़ जाता है और जिन्होंने कभी भी सिगरेट नहीं पिया होता और वो डायरेक्ट ई सिगरेट पे आ जाते हैं so सो उनके साथ ये मामला ज्यादा जल्दी हो सकता है और स्पेशली वो जो हम पैसिव स्मोकिंग की बात करते हैं ना सो so ई e सिगरेट के आसपास बैठने वाले जो आ, पैसिव स्मोकर्स होते हैं सो उनको भी ये खतरा लाहक हो सकता है क्योंकि इसमें चूंकि आर्टिफिशियली केमिकल्स एड किए होते हैं और उन केमिकल्स के साथ आपको यू you नो know, फेसिलिटेट किया जाता है सो इससे थोड़ा सा ज्यादा खतरा आपकी सेहत को हो सकता है सो so, बहुत तरह तरह की चीजें हैं अब मैं उनके नाम नहीं ले सकती यू नो डिफरेंट तरह की जो निकोटीन का इनटेक है वो uh, आपको डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में मिल जाएगा कुछ लोग यू नो पाउचे के साथ निकोटीन का इंटेक रखते हैं कुछ लोग सिगरेट पीते हैं कुछ लोग ये ई e सिगरेट या वेप कह सकते हैं so, सो इस, इसका इस्तेमाल करते हैं उससे एक तो आप आ, के दांत भी खराब होते हैं और दूसरा ये कि आपकी सेहत भी कॉम्प्रोमाइज हो रही है और जब आप अपनी सेहत के लिए आ, बिल्कुल भी कंसर्न नहीं होते तो दैट मीन कि आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा और अगर आपके पास आज सक्सेस है और आपकी सेहत अच्छी नहीं है तो आप उस सक्सेस को किस तरह से एंजॉय कर सकेंगे सो so, सबसे पहली एक रिक्वेस्ट जो कि मैं हमेशा ही करती हूं कि प्लीज अपना अप बहुत सारा ख्याल रखें और ऐसी चीजों को अवॉइड करें और कोशिश करें ऐसी चीजों को अपनी लाइफ में इन करें जो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी हैं या उनसे आपको फायदा मिल सकता है और आपको कोई नुकसान नहीं है किसी भी तरह का सो so, अगर आप कोशिश करें तो आप जरूर कामयाब भी होंगे बस कोशिश सबसे पहली जो शर्त है वो यही है और अगर आप कोशिश ही नहीं करेंगे तो फिर किस तरह से होगा सो so, उम्मीद है कि आप इस चीज को जरूर 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 अंडरस्टैंड करेंगे और कोशिश करेंगे कि आप ऐसी सभी एक्टिविटीज को अपने से आई बाय शाय कर दें जो आपको नुकसान की तरफ लेकर जा रही है All right, welcome back once again. Well, जनाब कुछ जरा बात कर लेते हैं आम के हवाले से सो so, मुल्क में आम इंत मौजूदा वोटर लिस्ट पर होंगे इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये कहा जा रहा है और इनफैक्ट uh, इसमें कोई रद्दबदल नहीं किया जाएगा जो भी uh, मामला होगा वो इन्हीं वोटर लिस्टों पर होगा और इनफैक्ट जो डेटा है उसके अकॉर्डिंगली अगर बात करें तो सूबे में रजिस्टर्ड वोटर्स की कुल तादाद सात करोड़ तेईस लाख दस हजार पांच सौ बयासी हो गई और 2018 के मुकाबले में पंजाब में वोटर्स की तादाद एक करोड़ सोलह लाख सैंतीस हजार आठ सौ ग्यारह वोटर्स का इजाफा हुआ है ओके सो इसके अलावा कुछ बात कर लेते हैं जरा मौसम के हाल के बारे में भी वैसे तो आपको पता ही है कि आज मोस्टली क्लाउडी वेदर है और आज Uh, बारिश एक्सपेक्टेड है सो uh, इस्लामाबाद so में तो बारिश हो रही है अगर किसी एरिया uh, में नहीं हो रही क्योंकि नॉर्मली ऐसा भी होता है कि एक एरिया में अगर बारिश हो रही है तो दूसरे एरिया में नहीं हो रही होती सो so, um, अगर आपके एरिया में बारिश हो रही है तो आप अपडेट कर सकते हैं सो so, इस वक्त इस्लामाबाद में 27 सेवन डिग्री सेंटीग्रेड मैक्सिमम थर्टी डिग्री मिनिमम ट्वेंटी एंड ह्यूमिडिटी लेवल सिक्सटी परसेंट लाहौर में ट्वेंटी सिक्स डिग्री सेंटीग्रेड मैक्सिमम थर्टी डिग्री मिनिमम ट्वेंटी टू एंड ह्यूमिडिटी लेवल सेवेंटी थ्री परसेंट और सियालकोट में ट्वेंटी नाइन डिग्री सेंटीग्रेड मैक्सिमम थर्टी वन मिनिमम ट्वेंटी टू एंड ह्यूमिडिटी लेवल सिक्सटी सिक्स परसेंट सो ये तो कुछ मौसम के बारे में अपडेट हो गई अच्छा अभी मैं कल एक चीज देख रही थी गूगल मैप जो लोग इस्तेमाल करते हैं अच्छा ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे आ, मैप शैप इस्तेमाल करते हुए काफी ज्यादा मतलब मुझे अनकम्फर्टेबल लगता है मुझे लगता है कि आपको जो रास्ता खुद से आता है आप उस पर ईजिली पहुंच भी जाते हैं समटाइम गूगल मैप जो है वो आपको वही रास्ता जो आप आ, अगर आ, उसकी नोहा हो और आप इजिली उस पर अगर 10 मिनट में उस रास्ते को तय करते हैं तो गूगल मैप समटाइम्स आपको ऐसे रास्तों की तरफ से ले जाता है कि आपको जो 10 मिनट का रूट है वो 20-25 मिनट में तय करना पड़ता है लेकिन हुआ ये कि गूगल मैप को बेसिकली नॉर्थ कैरोलिना में बेसिकली हुआ ये कि एक बंदा जिसने गूगल मैप का इस्तेमाल किया जो नेविगेशन लगाई हुई थी सो so, उसमें एरर की वजह से हुआ ये कि वो इंसान जो है वो एक ब्रोकन ब्रिज से गिर के उसकी डेथ होगी और फैमिली ने कंपनी को सू कर दिया है सो so, मेरा ख्याल है कि अगर इसमें मजीद इम्प्रूवमेंट की जाए अगर गूगल मैप या नेविगेशन जो भी हम लगाते हैं सो so, उसमें इम्प्रूवमेंट तभी आ सकती है कि जब आ, आ, रास्ता जो है वो जितने मिनट का नॉर्मल होता है उतने ही मिनट का गूगल बताए और उस पर लेके भी जाए और जो आ, रूट सही नहीं है जहां पर तो संभाल अगर कोई कंस्ट्रक्शन का काम है या जो आ, रास्ते बंद है सो गूगल मैप उनको यू नो आइडेंटिफाई करे और देन यू नो वो रूट इख्तियार करे कि जो आ, लोगों के लिए आसान हो बेहतर हो और उसमें किसी भी तरह की कोई रुकावट ना हो All right, welcome back once again. Well, जनाब sometimes कभी कुछ बातें ऐसी होती हैं कि आपका दिल चाहता है कि आप बहुत you know loudly express करें uh, maybe बी गुस्से की सूरत में या मे बी uh, किसी भी सूरत में लेकिन यू uh, नो you know, इस सिचुएशन में सबसे बेहतरीन जो प्रैक्टिस है वो ये है कि अगर आपने अपने आप को काम डाउन कर लिया और पुरसकून कर लिया तो सीरियसली आप किसी भी सिचुएशन के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं बट ये जो एक आ, मामला है ये तभी हो सकता है कि जब आप तो समाव अपनी जो इमोशंस हैं या अपने जो एहसास है अपने अपनी जो फीलिंग्स हैं उनको जरा बेहतर तरीके से मैनेज कर सकें सो so, ये चीज तभी हो सकती है खैर अभी इजाजत का वक्त है अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा इन मिलते हैं अब कल सुबह ग्यारह बजे टिल दें टेक केयर Allah Hafiz Allah Giban and Khudaai Paman This is Radio FM 1714